फ्रेंड्स वेलकम बैक टू उर्दू गेम प्लेज। आज हम खेलने जा रहे हैं F-16 मल्टी रोड फाइटर का नेक्स्ट मिशन। क्विक मिशन पर क्लिक करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे इस दफ़ा क्लियर स्काइज मिशन। लास्ट मिशन हमने देखा था लाइट्स आउट, इस दफ़ा देखेंगे इस मिशन में क्या ऑब्जेक्टिव हैं। एक्सेप्ट पर क्लिक करके लोड आउट आप चेंज कर सकते हैं हमेशा की तरह, लेकिन आई विल रिकमेंड कि फर्स्ट टाइम जब आप ये गेम खेल रहे हैं तो आप जाएं डिफ़ॉल्ट लोड आउट के साथ। हमारे पास इस दफ़ा एक्स्ट्रा फ्यूल है, आप देख सकते हैं स्लॉट नंबर 4 और 6 पर फ्यूल 300 गैलन एंड फ्यूल 370 गैलन। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा देर तक फिजा में उड़ना पड़ सकता है, इसी वजह से आपको डबल फ्यूल दिया गया। और 3 और 7 स्लॉट पर है हमारे पास AM रैम मिसाइल्स, और 2 और 8 पर भी AM रैम है, और 1 और 9 पर साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल। इसका मतलब है इस मिशन में एज सच कोई ग्राउंड टारगेट नहीं होने वाला, बट लेट्स सी। एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे दो दफ़ा और मिशन हो जाएगा शुरू। Backspace for full afterburner. You are cleared for takeoff. Runway 9, winds calm, contact departure 301.9. Down arrow key for takeoff. जी प्रेस कर सकते हैं आप गियर अप करने के लिए मैन्युअली। और सबसे पहला काम आपने करना होता है अपने फेवरेट व्यू में जाकर, जो भी हो आपका, मेरा F2 वाला व्यू है ये वाला हर्ड व्यू, और आपने तैयारी की बुलंदी को बढ़ाना है, अल्टीट्यूड को, जो कि आप राइट साइड पर देख सकते हैं स्क्रीन की, इसको कम से कम 12,000 से 15,000 feet की बुलंदी पर होना चाहिए मिनिमम, ताकि आने वाले मिसाइल्स को आप आसानी डॉच कर सकें। और शुरू वाले ट्रेनिंग मिशंस में आप देख चुके हैं कि किस तरह से आपने F-16 को उड़ाना है और उसको लैंड करवाना है, और कैसे जहाज़ों पर या ग्राउंड टारगेट्स को तबाह करना है उनको, और आने वाले मिसाइल से किस तरह बचा जा सकता है। 3 प्रेस किया मैंने AM RAM एयर टू एयर मिसाइल सेलेक्ट करने के लिए, और जैसे ही कोई भी एयर टू एयर मिसाइल सेलेक्ट होता है तो आपको आने वाले जो टारगेट्स हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको लॉक कर सकते हैं और उन पर फायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 1 प्रेस करें तो कोई भी वेपन आपके पास सेलेक्ट नहीं होता। अब वक्त है इंजन की रफ्तार कम करने का, फ्यूल बचाने का। 8 प्रेस करेंगे इंजन को डाउन करने के लिए, और फिर से 3 प्रेस करेंगे और फायर करेंगे मिराज Alpha-1 पर। ब्रैकेट से टारगेट चेंज कर कर मिराज Alpha-3 पर फायर, फिर ब्रैकेट प्रेस कर कर आप मिराज Alpha-2 पर फायर करेंगे। बॉटम राइट साइड से आप देख सकते हैं कि क्या आपका सही टारगेट सेलेक्ट है, और आपने एक ही टारगेट पर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा तो फायर नहीं कर दिया, इससे आपके सिर्फ मिसाइल्स आए होंगे। और लास्ट मिशन अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि आने वाले मिसाइल की क्या निशानी है, बीप जो है वो उसका साउंड तेज़ हो जाता है, और उससे कैसे बचने की कोशिश की जा सकती है। अभी हम सिर्फ यही दुआ करेंगे कि ये जो आने वाले तैयारे हैं दुश्मन के, ये हिट हो जाएं तीनों के तीनों, और ऐसा ही हुआ। ओ प्रेस करके ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे, डिस्ट्रॉय 100% ऑफ फ्लाइट ग्रुप Alpha, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, और सेकंड प्राइमरी गोल है डिस्ट्रॉय 100% ऑफ फ्लाइट ग्रुप Charlie। सेकेंडरी गोल्स में है डिस्ट्रॉय 100% ऑफ फ्लाइट ग्रुप Golf, और बोनस गोल्स भी हैं 2, जिन्होंने भी तैयारे ही तबाह करने हैं। तो जैसा कि मैंने मिशन के शुरू में बताया था, इसमें कोई ग्राउंड टारगेट नहीं है इस मिशन में, तो हमें स्टीयर पॉइंट को फॉलो करते हुए अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें मैप पर, तो हमारे लेफ्ट साइड पर 2 Charlie के तैयारे आ रहे हैं, जो कि हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव भी है, प्राइमरी गोल है। तो स्टीयर पॉइंट हमें ले जाएगा आई थिंक सो, अब लेफ्ट साइड पर, और 3 AM RAM मिसाइल्स अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। जरूरी नहीं कि आप स्टीयर पॉइंट्स को ही फॉलो करें, तैयारों को तबाह करते हुए आप अपना रुख चेंज कर सकते हैं जब आपका दिल करे। तो SU-27 Charlie-1 और Charlie-2 पर मैंने 2 फायर किए हैं AM RAM, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है, रडार गाइडेड मिसाइल है, और इसकी रेंज है 25 किलोमीटर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये दोनों तैयारे जो हैं हिट हो जाएं।
ये 11 बज चुका है, तो इस पर हम साइड वाइंडर मिसाइल दोबारा से फायर करेंगे। उसने भी हम पर मिसाइल फायर कर दिया। हम तैयारी का रुख नीचे की तरफ कर देंगे। बहुत अच्छे, हम मिसाइल से बच चुके हैं जबकि वो नहीं बचा, और हमारे प्राइमरी गोल्स हो चुके हैं कंप्लीट, क्योंकि ऊपर स्क्रीन पर आ चुका है कि आप ई प्रेस करके मिशन गाइड कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप सेकेंडरी गोल्स कंप्लीट करना चाहते हैं या नहीं। हमें फ्लाइट ग्रुप गोल्फ को डिस्ट्रॉय करना है, तो चलें ट्राई करते हैं। गोल्फ जो है 1 MiG-27 गोल्फ 1, वो भी तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है, और F8 प्रेस करके आप उसको देख सकते हैं। आई थिंक सो ये दो तैयारे हैं इकट्ठे जो आ रहे हैं। हाँ जी, F8 अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो आप इन एनिमीज प्लेन्स का भी फ्लाई बाय व्यू देख सकते हैं। F2 से वापस आप हार्ड व्यू में आ जाएंगे, या F1 अगर आप ये वाला व्यू प्रेफर करते हैं। तो तैयारे की बुलंदी है 14,000 फीट हमारे तैयारे की, और गोल्फ 1 की रेंज आ चुकी है तकरीबन 25 किलोमीटर, और साइड वाइंडर मिसाइल है हमारे पास। तो हम इस पे एक हमारे पास एम रैम मौजूद है, हम वो फायर करेंगे गोल्फ 1 पर और दूसरा टारगेट सेलेक्ट कर लेंगे, और साइड वाइंड मिसाइल 3 प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर एम रैम मिसाइल जो है वो गोल्फ 1 को हिट कर जाता है, तो हमारे लिए सिर्फ एक तैयारा बाकी रह जाएगा हिट करने को। अभी चंद सेकंड में आपको इसका पता चल जाएगा, लेकिन आप पर पहले फायर हो चुका है। ओके, वो फायर हिट कर चुका है जो हमने एम रैम मिसाइल फायर हिट किया था। ओह शिट, एक फायर हमें भी हिट कर चुका है, दूसरा आ रहा है, और वो तैयारा अभी तक हमारी रेंज में नहीं आया। हमारा तैयारा हो चुका है तबाह। लगली हम प्राइमरी गोल कंप्लीट कर चुके थे, इस वजह से मिशन जो है फेल नहीं होगा। कंट्रोल ई प्रेस करके हमने ड्राइवर को इजेक्ट कर दिया तैयारे से, और स्टैट्स आ जाएंगे आपके सामने। द मिशन वाज अ सक्सेस, 2 आउट ऑफ 2 प्राइमरी गोल्स कंप्लीटेड, दैट्स इट।